नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं बीना। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन। संसद के विशेष सत्र का आज 3रा दिन। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए करेंगे पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक को बताया ऐतिहासिक। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को करेगा और मजबूत। मौसम विभाग ने 3 दिन तक गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्से में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, काराबाख में अजरबैजान के हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत, 138 घायल। आर्मेनिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने की सैन्य कार्रवाई की निंदा। और खेल की खबरों में, एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले जारी वॉलीबॉल मुकाबले में आज भारत का सामना कोरिया से। कल खेले गए शुरुआती मैच में भारत ने कंबोडिया को हराया। वहीं फुटबॉल के पहले मुकाबले में चीन के हाथों मिली शिकस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन का ये सम्मेलन मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों तथा पेरिस नियमों के 30 साल पूरे होने के सिलसिले में आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित उप विषय पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व्यवसाय और मानवाधिकार पर एक सेमिनार का आयोजन करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय मानवाधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दे। संसद की कार्यवाही कल नए भवन में शुरू हुई। सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए लोकसभा में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में 128वां संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। लोकसभा में इस बिल पर आज सुबह 11 बजे से चर्चा होगी। संविधान 128वां संशोधन विधेयक के संसद से मंजूरी मिलने के बाद की जाने वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 वर्ष के लिए लागू रहेगा, जिसकी अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकेगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के भीतर ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान होगा। वर्तमान लोकसभा में कुल 82 महिला सदस्य हैं, जो कुल 543 सदस्यों का 15% से भी कम है। कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है।
एनडीए सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए लगातार प्रयास करती रही है। 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में कानून मंत्री एम थंबीदुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अटल सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया, लेकिन सपा, बसपा और आरजेडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद 2000, 2002 और 2003 में भी विधेयक को पारित कराने की कोशिशें की गई, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन के बावजूद ये पारित नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। उन्होंने सदस्यों से इस ऐतिहासिक दिन पर महिलाओं के लिए अफसरों के दरवाजे खोलने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। आज लोकसभा और राज्यसभा में सरकार कई विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए पेश करेंगे। मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। सरकार की एक कोशिश रहेगी कि विधेयक को पारित किया जाए। ये विधेयक 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए जेईई, सीयूईटी, एनईईटी के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। अकादमिक वर्ष 2024-25 के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए सीयूईटी परीक्षा अगले वर्ष 15 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका आयोजन करेगी। परीक्षा के 3 सप्ताह के भीतर परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई के मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 में 2 सत्र 24 जनवरी से 1 फरवरी और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। स्नातक कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अगले वर्ष 5 मई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का पहला सत्र 10 जून से 21 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है। देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। 22 सितम्बर तक देश के पूर्वी हिस्से में हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
इसके अलावा गुजरात, उत्तरी कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा चलने के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। पीआईबी फैक्ट चेक ने उस खबर को भ्रामक बताया है जिसमें बीबीसी हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसरो के लिए कई अहम काम करने वाली हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया वेतन नहीं मिला है। खबर में बताया गया है कि वेतन नहीं मिलने की स्थिति में कई कर्मचारी चाय और इडली बेचने को मजबूर हैं। सरकार की नोडल एजेंसी पत्र सूचना कार्यालय की पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। एचईसी को चंद्रयान 3 के लिए किसी भी घटक के निर्माण का काम नहीं सौंपा गया था। और अजरबैजान ने फिर से आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के नियंत्रित वाले काराबाख में हमले किए हैं। इन हमलों में 25 लोग मारे गए हैं। आर्मेनिया के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। अजरबैजान के सैन्य हमले में मंगलवार को 25 लोग मारे गए, इसमें 2 नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा इन हमलों में 138 लोग घायल भी हुए हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया है, इसमें मुख्यतः आर्मेनिया के नियंत्रण वाले नागोनो काराबाख क्षेत्र भी शामिल हैं। अजरबैजान इस क्षेत्र पर कब्जा चाहता है, इसलिए यहां पर हमले तेज कर दिए हैं। इससे पहले काराबाख में बारूदी सुरंगों के विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी। इन मौतों को लेकर अजरबैजान ने आर्मेनिया पर आरोप लगाया था। बारूदी सुरंगों के विस्फोट में मारे गए सभी लोग अजरबैजान के नागरिक थे। आर्मेनिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से पहले जारी वॉलीबॉल मुकाबले में आज भारत और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। वहीं कल खेले गए वॉलीबॉल के पहले मैच में भारत ने कंबोडिया को 3-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत सकी है। इस मैच में भारत ने शुरू से दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम ने पूल सी के मैच में कंबोडिया को 25-14, 25-13, 25-19 से पराजित किया। एशियाई खेलों में ही भारतीय फुटबॉल टीम को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप ए में भारतीय टीम को चीन ने 5-1 से हरा दिया। इस मैच में भारत के लिए एकमात्र गोल राहुल ने केपी ने किया। गौरतलब है कि एशियाई खेलों की आधिकारिक शुरुआत 23 सितंबर से होगी। उससे पहले कुछ खेलों की स्पर्धाएं शुरू हो चुकी हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के शुरू होने में बस कुछ दिन का ही समय बचा है। इससे पहले आज पुरुष विश्व कप के आधिकारिक एंथम को लॉन्च किया जाएगा। इस एंथम के बोल हैं दिल जश्न बोले, जिसे तैयार किया है प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम ने। इस एंथम में बॉलीवुड के स्टार रणवीर सिंह नजर आएंगे। विश्व कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। और इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम।